पाकिस्तानी इस स्कीम के तमाम पहलुओं पर बहुत कुछ गौर किया, तो इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि पूरे हिंदुस्तान के लिए इस स्कीम के जो भी नुकसान है वो अपनी जगह, लेकिन मुसलमानों के लिए तजवीज सख्त तबाहकुन साबित होगी। इससे इनकी कोई मुश्किल हल होने के बजाय मजीद मुश्किलें पैदा हो जाएंगी। अजल पाकिस्तान का लफ्ज मेरे नजदीक इस्लामी तसव्वुरात के खिलाफ है। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह ताला ने तमाम रूह जमीन को मेरे लिए मस्जिद बना दी। इस रूह जमीन को पाक और नापाक के दरमियान तकसीम करना ही इस्लामी तालीमात के मुनाफी है। दूसरी है कि ये पाकिस्तान की स्कीम एक तरह से मुसलमानों के लिए शिकस्त की अलामत है। हिंदुस्तान में मुसलमानों की तादाद 10 करोड़ के अंदर है और वो अपनी जबरदस्त तादाद के साथ ऐसी मजहबी और माशरती सिफात के हामिल है कि हिंदुस्तान की कौमी व वतनी जिंदगी में पॉलिसी और नज्म नस्क के तमाम मामलात पर फैसला कुन असर डालने की ताकत रखते हैं। पाकिस्तान की स्कीम के जरिए इनकी ये सारी कुव्वत और सलाहियत तकसीम होकर जाया हो जाएगी और मेरे नजदीक ये बदतरीन बुजदिली का निशान है कि मैं अपने मीराश पिदरी से 10 बाजार हो गए छोटे से टुकड़े पर कनाअत कर लूं। मैं इस मसले के दूसरे तमाम पहलुओं को नजरअंदाज करके तनहा मुस्लिम मफाद के नुक्कड़ निगाह से भी गौर करने के लिए तैयार हूं कि अगर पाकिस्तान की स्कीम को किसी तौर पर भी मुसलमानों के लिए मुफीद साबित कर दिया जाए तो मैं इसे कबूल कर लूंगा और दूसरों से इसे मनवाने पर अपना पूरा जोर सर्फ कर डालूंगा। मगर हकीकत यह है कि इस स्कीम से मुसलमानों की जमाती और मिली मफाद को जरा भी फायदा न होगा।